गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व लोको फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को खेले गए मैच में घोसी एकादश ने लोको फुटबॉल क्लब को 1-0 से तथा टाउन क्लब बांसगांव ने खुराबार फुटबॉल क्लब को 2-0 से पराजित कर अंक बनाया, जिसमें पहला मैच लोको फुटबॉल क्लब व घोसी एकादश के बीच खेला गया। मैच के शुरू के छठे मिनट में घोसी एकादश के अहमद ने शानदार मैदानी गोल करके अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। अंत में यही गोल निर्णायक सिद्ध हुआ। घोसी एकादश 1-0 से विजयी रही। वहीं दूसरा मैच टाउन क्लब बांसगांव व खुराबार फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच के प्रारंभ के 14वें व 21वें मिनट में सत्यम साहनी व ऋतिक सिंह ने ताबड़तोड़ गोल करके बांसगांव को 2-0 से बढ़त दिला दी। अंत में बांसगांव 2-0 से विजयी रही। 10 सितंबर को धर्म स्पोर्टिंग व सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के बीच व दोपहर बाद स्टार क्लब भगवानपुर व फुटबॉल क्लब गोरखपुर के बीच मैच खेला जाएगा। इस अवसर पर सूरज छेत्री, एनपी गौड़, अश्विनी कुमार यादव, बशीर अहमद, अमित रंजन यादव, संजय शाहनी, कुर्बान अली, शतेंद्र, मेहताब अहमद, नसीम, मोहित, फिरोज, गोविंद, इब्ने तालिब आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने कहा, एकदम लाइव चीफ गेस्ट हमजा खान, फुटबॉल क्रिकेट। ये अभी आपके सामने जो गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित लीग सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पे जो है घोसी 11 वर्सेज लोको एफसी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें ये मध्यांतर का दूसरे हाफ का खेल है और घोसी 11 1-0 से जीत रही है ये मैच। नहीं, अभी तो ये लीग के मैचेस हैं और ये 30 सितंबर तक ये लीग के मैचेस चलेंगे। चार पूल में ये टीमें बांट के 21 टीमें हैं, पूल ए में 6 टीमें हैं, बाकी बी सी डी में 5-5 टीमें हैं। टोटल 45 मैच होंगे पूल के और उसके बाद फिर ग्रुप में जो पहला और दूसरा नंबर की टीमें होंगी इनका क्वार्टर फाइनल मैच होगा। तो लीग समाप्ति के बाद ये नॉकआउट दौर शुरू होगा।